हेलो हेलो, तो बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ेंगे इस बार कानपुर के अक्स से जो उभरते हुए सितारे। शायद उनका कोशिश यहाँ पर जारी रहेगा, लेकिन देखिए इस मुकाबला को कितने बड़े हस्ते, बिल्कुल से थाना कल्याण से यानी रायगढ़ एसोसिएशन के एक बेहतर सलाहकार से, बिल्कुल से हमारे विश्वनाथ मस्कर जी, मनोज पाटिल जी, हरीश भोयर जी इस टूर्नामेंट को शुभेच्छा दे रहे हैं। कह रहे हैं इस टूर्नामेंट बड़ा बेहतर है और कल यहाँ पर उपस्थित दिखाने वाले बिल्कुल रायगढ़ के अध्यक्ष से उपाध्यक्ष से बिल्कुल से विश्वनाथ मस्कर जी। देखिए ये मुकाबला कहाँ पर देख रहे हैं वो अर्जुन भाई पाटिल साहब, जिनकी ऑफिस में बैठकर इस मुकाबला की आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल स्वागत विश्वनाथ मस्कर जी, और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। और उनके साथ साथ देखिए हमारे मनोज पाटिल जी, हरीश भोईर जी, जिनका जन्मदिन बड़ी बेहतर अंदाज से निभाया गया है। रविंद्र भोईर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल उनका भी स्वागत है। तो उसके साथ साथ हमारे देखिए आयोजक यानी प्रभाकर सेठ पाटिल साहब, जेके पाटिल साहब, संजोक पाटिल साहब, दत्तश्री पाटिल साहब, सम्राट पाटिल साहब, गुटराम पाटिल जी, बिल्कुल सभी मान्यवर का फिर से एक बार स्वागत। और उनके साथ साथ हम देख रहे हैं बिल्कुल अनिल टेम्बे जी और अंकुश दादा पाटिल से। लेकिन चलते हैं यहाँ पर पहले सत्र के लिए, यहाँ पर कानपुर के क्या उभरते हुए सितारे अक्षय के पास। भविष्य चलेगा विदार के आधार आज के दिन के पार 15 राउंड का चौथा मुकाबला चलेगा बोरवा बलाब करोले के बीच। ये काफी टफ फाइट मुकाबला देखेंगे, काफी ताकत के मुकाबले आज के दिन के पर कल के दिन के पर भी काफी बड़े मुकाबले खेले गए थे। देखिए फिर से इस मैदान के अंदर पहली गेंद फेंकने के लिए वही राज्य है। देखा पहली गेंद बैट्समैन गेंद 6 रन निकले, काफी शुरुआत अच्छे से की 6 रन निकले। ये देखो बल्लेबाजी की ताकत भविष्य पहले गेंद के पार आदेश पाड़ो के माध्यम से ये छक्का देखने को मिला। लेग लेजर के पार काफी बेहतरीन बल्लेबाजी यानी पहले गेंद के ऊपर दिखाया या कई साहब छक्के लगाएंगे बाबू शाह। और पहले गेंद के पार भाईर को ये काफी तगड़ा छक्का देखने को मिला। देखो भविष्य पहले गेंद के ऊपर छक्का के बाद थोड़े गेंद बाद में लहा से भटके थे मेरे ख्याल से, इस वजह से देखो इस और की दूसरे गेंद फेंकने के लिए फिर से एक बार वही राजे। देखो दूसरे गेंद अपील की देखो क्या गुडलाइट के अंदर गेंद फेंकी थी, काफी बेहतरीन गेंद। देखो पहले गेंद के ऊपर चक्का है बाबू शाह तो दूसरे गेंद काफी अक्लिप की तो हल्के से गेंद बाहर की तरफ निकली और दो गेंद है टारगेट के गए तो केवल 6 रन बने। देखो बाबू शाह पहली गेंद के ऊपर अंदर छक्का आने के बाद में दूसरी गेंद काफी अच्छी बाकी एक गेंदबाजी की ताकत यानी कि पहले बात पे लगा था पहली गेंद 6 रन मिले थे तो दूसरे गेंद पे नंबर आए गए इस ओवर की। फिर से एक बार तीसरी गेंद देखो काफी अच्छी बाकी थी, साहस मिले गए थोड़े से फील्ड खिलाफ 1 रन से संतोष हो गया और देखो 1 रन से टारगेट करेंगे तो 7 रन 3 गेंद है। काफी अच्छी गेंदबाजी भी कह सकते हैं यानी कि पहली गेंद के ऊपर 6 रन आने के बाद दूसरे गेंद डॉट और तीसरे गेंद के ऊपर सिंगल एक बल्लेबाज गेंदबाजी की गेंदबाजी। देखो बल्लेबाज आदेश अभी तक खतरे रही गोला बल्लेबाज आदेश के माध्यम से गेंदबाज पहुंचे। देखो इस ओवर की चौथी गेंद देखो थोड़ी सी दिक्कत आई गेंदबाज को और 3 गेंद 7 रन बन चुके हैं यानी कि अभी तक देखेंगे तो समाधान के माध्यम से 3 गेंद खेले चौल और 7 रन बनाए। इस ओवर की फिर से एक बार चौथी गेंद और बल्लेबाज गेंद हो गए। देखो खूबसूरत गेंद के अंदर खेलता और 1 रन देखे इक्का दुक्का रह रहे यानी कि पहले गेंद के ऊपर 6 रन आने के बाद थोड़ी तफलीक नहीं उतारे बल्लेबाज 1 रन से संतोष हो रहे हैं और टारगेट गेंद 4 गेंदे 8 रन। इसी समाधान ने पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाया था उम्मीद जगाई थी सॉरी आदेश ने लगाया था तो उम्मीद जगी थी और समाधान ने सिंगल से 4 गेंदे 8 रन बने। तो खैर बात मोहर राजे थोड़े से महंगे साबित तो जरूर हो चुके इस ओवर के फिर से एक बार देखेंगे तो 5 गेंद फेंके गए। देखो क्या गेंद बल्लेबाज को समझ में आई गेंद किधर गई तो ये गेंदबाजी गिरने के बाद थोड़ी सी बल्लेबाज को दिक्कत हो रही है कि गेंद बाहर की तरफ तो रही तो ठोस निकल रही है गेंद और 5 गेंदे और टारगेट देखेंगे तो बन चुके हैं अभी तक 8 ही रन। देखो
देखो पहले गेंद के ऊपर चाय थे और वह 4 गेंद के ऊपर केवल 2 ही रन आ चुके हैं, तो टारगेट देखें तो 8 रन बन चुके हैं। इस ओवर के आखिरी गेंद होगी माहिर के माध्यम से। देखो आधे आगे जाके खेले है ट्रे डगर, मौका बन सकता है। ए देखो होल्डर, देखो देखो आखिरी गेंद क्या पर अनिल टेम्बे, देखिए वहां पर जो दर्शक हैं, बिल्कुल दर्शकों से भी थोड़ा जायजा लीजिए, देखिए वह दर्शक कहाँ के हैं। बिल्कुल से, चलिए फील्डर ने बड़े अच्छी कोशिश की, तारीफ करना चाहूंगा फील्डर का भी बिल्कुल से, लेकिन शायद संडी पालकर भी बिल्कुल वहां पर है, आपका स्वागत। लेकिन काफी दर्शक वहां पर बता रहे हैं कि 6 रन है गेंद निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी फील्डर का तारीफ करना चाहिए अक्सर, जिस तरह की यहाँ पर गेंद को रोके उन्होंने, लेकिन आखिरकार 6 रन आता हुआ। देखो भविष्य काफी अच्छे किए थे फील्डर ने कोशिश आखिरी मोमेंट के पार सिवर के अपार, फिर उसका लगा तो इस वजह से 6 रन, यानी कि पहले गेंद के पर शुरुआत हुई थी 6 रन से और आखिर थी शुरुआत भी 6 रन से, और टारगेट के गए पहले और के बाद बन चुके हैं 14 रन। बाबूशाह अच्छी गेंदबाजी हुई थी आखिरी मोमेंट के पर, थोड़े से ये 6 रन काफी महंगे साबित हुए, यानी टारगेट के तो पहले और के बाद 14 रन बन चुके हैं। देखो यानी पावर प्ले में उतने रन बनते हैं 13 या 14, यानी कि दो ही फील्डर डायरी के बाहर रहते हैं, दोनों फील्डर डायरी के अंदर रहते हैं, तो पहले ओवर में 14 रन बने, यानी कि बहुत बार टीम के बल्लेबाजी करते हुए। तो दूसरे गेंदबाज भविष्य आजमाएंगे किसको, तो पहले ओवर में 14 आए थे थोड़े महंगे हुए गेंदबाज, फिर दूसरे ओवर में किसको गेंदबाज देंगे, तो गेंदबाज हो गए दूसरे रूपेश पाटिल, पहले थोड़े से मयूर महंगे हुए पावर प्ले में, तो अभी दूसरे गेंद आगे गए रूपेश पाटिल, और तो ट्राई कैंसिल बोले बात करेंगे समाधान। अभी 1 रन से खाता खोला समाधान ने, आदेश अच्छे के लिए आदेश ने अभी तक 13 रन बनाए, तो ये देखो इस बार फिर से पहली गेंद आगे गए, देखो कहने की कोशिश की समाधान है चांस मिल सकता है। ए देखो फाइनल बल्लेबाज समाधान की फरकार बैक टू बॉल, ये देखो कोशिश की थी पहले दूसरे ओवर के पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली गेंदबाज रुपेश पाटिल को, पहले ओवर में नहीं मिली थी सफलता, आप दूसरे ओवर में पहली गेंद के ऊपर मिलती हुई सफलता बोरवा टीम को, और टारगेट के उसके ऊपर ही 14, अभी तक 7 गेंद खेले और टारगेट के तो 14 रन बने, तो कल के दिन के ऊपर काफी मुकाबले, तो कल के दिन के शुरुआत देखेंगे मुकाबले के, ऋषभ पाटिल तो बारिश भी थी, तो उसके बाद काफी और लाहौरी भी देखने के लिए मिली थी, यानी कि इतनी बड़ी शुरुआत हुई कल के दिन, यानी कि संडे का दिन था काफी माहौल इधर कड़क था, तो कमेंट्री के कल के दिन के ऊपर काफी चकमा आए थे। देखो फिर से एक बार बात पहले गेंद बाद को सफलता मिली, देखो दूसरे गेंद के लिए लैक रिजर्व में 4 रन मिल गए इस गेंद के बाद, और टारगेट देखेंगे तो 4 रन से बनता हुआ 18 रन। देखो पहले ओवर में 6 रन से शुरुआत हुई थी, तो दूसरे ओवर में विकेट से हुई थी और दूसरे गेंद के ऊपर 4 रन बनते हुए, तो उसके मदद से कौर देखेंगे तो 18 रन बन चुके हैं, यानी कि अभी भी तो गैर 18 रन बन चुके हैं, यानी कि पहले बात करते हुए फॉरवर्ड टीम अभी तक तो 1 विकेट खोया, तो फिर से बार देखो रिवर्स का अटैम्प्ट किया था बल्लेबाज ने, 4 रन आए थे, तो दूसरे गेंद रिवर्स खेलना नहीं चाह रहे थे, यानी कि सीधे बल्ले से रन आते थे तो तेरे बल्ले से रन बनाने शुरू किए इस बल्लेबाज, तो इस वजह से 3 गेंदे टीम का गौरव था वो 18 ही रन, देखो 4 रन भी बनते थे, तो 3 गेंद के बाद टीम का टारगेट गेंद 18 रन बन चुके हैं अभी भविष्य। तो इस चौथी गेंद इस ओवर के फिर से एक बार देखो किंग बॉल डंडा गोल किया
देखो इस वाले बात ने अभी तक 3 शॉट खेलने के लिए, पहले लेग के रिजर्व में एक लाका के रिजर्व खेलने की कोशिश कर रहे थे और एक रिवर्स के बाद हम से खेलने की कोशिश की थी और टारगेट कहीं थे 4 गेंद उतने के ऊपर 18 रन, यानी कि दूसरे ओवर में रोक लगा, यानी कि 4 रन बने अभी तक 4 गेंद के ऊपर। पहले ओवर में क्यों ना बने 14, फिर दूसरे गेंदबाज ओवर में काफी सफलता भरी गेंदबाजी, यानी कि 4 रन बने। ट्राई कर से फिर से हर बार फड़के फुल बाद के लिए देखा ट्रेड अगेन के लिए शानदार रॉक गेंद 6 रन के लिए। इस तरह से मतलब टीम का कोर बच गए 24 के ऊपर। ये देखो यानी कि तीसरा वाले बात भी आके कितना लंबा चक्कर रख सकता है रशर पाटिल यहाँ पे, यानी क्यों ना गेंदे डॉट खेले दूसरे ओवर में, पीछे 5 गेंद के ऊपर 6 रन और टारगेट गेंदे 25 रन बन चुके, सॉरी 24 रन बने। देखो इस ओवर क्या क्रिकेट फिर से एक बार देखो बल्लेबाज छक्का आया था तो दूसरी गेंद थोड़े से हल्के से आपके रिजर्व के लिए और इस गेंद के ऊपर 1 रन। ये रोशन पाटिल काफी चतुर रहते हैं, ये पहले गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद दूसरे गेंद पे छक्का क्यों ना लगाए, तो इस बल्लेबाज ने ऐसा नहीं सोचा कि दूसरे गेंद के ऊपर सिंगल के लिए, तो सिंगल से बजे टीम का गौर 2 ओवर के बाद 25 रन बन चुके हैं। रशि पटेल काफी रन बने यानी कि करघाट के ऊपर रखते हैं 25 रन, यानी कि 2 ओवर का मुकाबला समाप्त हुआ है। अभी 2 ओवर फेंकेंगे, पहले 12 गेंदे खेले तो 12 गेंद के ऊपर 25 रन बने, तो दूसरे 12 गेंद के ऊपर उतने रन आए थे, यानी कि अभी तक गेंदबाजी की थोड़ी पिटाई हुई है, तो बल्लेबाजी का बोलबाला देखने के लिए रशि पटेल काफी बात रहे हमारे, यानी कि पहली बार कॉमेंट्री करते हुए तो थोड़े से डर लगता है रशि पटेल। तो बाबू शाह यानी कहते हैं ना लोग यानी कि डर के आगे जीते, इसमें मेरी पहली बार है तो थोड़ा सा डर लगता है रशभ पटेल। तो 2 ओवर के बाद टारगेट कहते 25 रन बन चुके हैं। यार बात हो गई सबिर पटेल और बोले बात आदेश फड़के, सॉरी हर बार फड़के कमाल की बल्लेबाजी अभी देखने के लिए। 2 ओवर में 25 रन बच चुके हैं। रेस में पहली गेंद देखो कमाल का ट्रॉक लॉन्ग इट गेंद 6 रन के लिए, शानदार छक्का देखने के लिए रशभ पटेल। देखो कैसे छक्के लगाते हैं कि लॉल चांस देते हैं फील्डर को भी और शानदार छक्के, पहले भी अगले भी का पहले ओवर में देखने के लिए ट्रेड में आखिर छक्का देगा, काफी बड़े शॉट देखने के लिए मिलते हैं और इस ओवर में 6 रन से खाता खोला। तो ऐसा पहले ओवर में 6 रन से खाता खोलता, दूसरे ओवर में थोड़ी सी दिक्कत आई थी विकेट गया था और तीसरे ओवर में 6 रन से खाता, ये मोरबा टीम की यानी कि बल्लेबाजी की ताकत दिखाते हुए, यानी दोनों भी ताकत एक तरफ होगी करोल टीम थोड़ी गेंदबाजी की ताकत फिर थोड़ी गेंदबाजी की पिटाई हुई फिर से एक बार। देखो रिजर्व गेंद के लिए इस गेंद के ऊपर 1 रन तो बनाई, दूसरे रन के लिए दौड़ गए। ये देखो इस बल्लेबाज की चतुराई, अरे एक चक्काने के बाद दूसरे गेंद के ऊपर सिंगल आती है तो टारगेट टेकेंगे सिंगल के ब्रश से 32। अभी पहली बार ट्राइक पे आए सागर उलेकर, अभी एक भी रन तो नहीं खोला, गेंद भी नहीं एक भी खेली। देखो सागर उलेकर के पास काफी जिम्मेदार गई, यानी कि टाइलिस खिलाड़ी सागर उलेकर यानी करल के मैदान के अंदर भी काफी बेहतरीन पारी खेली थी इसी वाले बाद ने। फिर से एक बार सागर उलेकर देखो कहां भी गुलान की गेंद हल्के से गेंद बाहर की तरफ निकली, सागर उलेकर को थोड़ी सी दिक्कत आई इस गेंद के ऊपर और टारगेट देखेंगे तो 32 रन के ऊपर। इस तीसरे ओवर भी देखो एक छक्का और एक सिंगल और इसके बाद डॉट, इस ओवर में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई मेरे बात को सागर उलेकर को। फिर से इस ओवर की चौथी गेंद फेंकी गई, देखो चौथी गेंद थोड़े से रुक के क्यों ना खेले, तो इस गेंद के ऊपर भी विकेट 6 रन के लिए सागर उलेकर से। कह
कैकड़े जवा स्टार देखो सागरों लेकर के कबाल थबार बल्लेबाजी अभी तक बल्लेबाजों का यार के बहुत बार टीम के बोल वाला चलता हुआ यार के गेंदबाज की ताकत थी यार कड़ोला टीम तो गेंदबाज की ताकत यार के जर गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज दिखाते हुए मोरबा टीम के अभी तक यार के हवाई फल्ले दिखाते हुए देखो क्या बल्लेबाज की कोशिश देखो गेंद पीछे के लेजर में गेंद नहीं रुकेगी गेंद फिर से एक बार कबाल तबार और वाला बार चक्का अभी तक चवाला स्त्री बनते हुए यानी कि सागर उलेकर की देखो बल्लेबाजी यानी कि हैट्रिक के कगार के ऊपर ये सागर उलेकर की अभी पटरी के ऊपर गाड़ी चलते भी देखो चक्के के ऊपर चक्के सागर उलेकर के बल्ले से निकलते हुए ये बल्लेबाज के पहले जिगर किया था काफी कीचड़ क्यों ना खेले चक्के आते हुए देखो फिर से मौका बन सकता है एक गलती की कीमत देखो सागर उलेकर की कितने में गिरेगी और सागर उलेकर को जीवन दान देना यानी खतरे के घंटे जिसने अभी तक तीन छक्के लगे इस ओवर सॉरी दो छक्के लगे इस ओवर में और उसी वाले बात के जीवन दान देता हुआ सागर उलेकर को और तीन ओवर के बाद जो टारगेट देखेंगे तो 45 रन बन चुके हैं अभी तक तीन ओवर के बाद डीजे मास्टर देखो तीन ओवर के बाद 45 रन बन चुके हैं अभी तक इसी सागर उलेकर को जिम्मेदार दिया वही बल्लेबाज ट्राइक एंड से बल्लेबाजी कर गए और गेंदबाज हो गए विलास पाड़ेल और तीन ओवर के बाद यानी कि 45 रन बन चुके हैं तो इस ओवर में ज्यादातर 15 या 16 रन आने चाहिए तो मुकाबला काफी हाइलाइट देखने को मिलेगा और यहाँ पे सागर उलेकर अभी तक 13 के ऊपर खेलते हुए केवल 4 गेंद का इस्तेमाल किया और सागर उलेकर ने 13 के ऊपर बल्लेबाज शानदार वैसे बल्लेबाज को जिम्मेदार दिया ये जिम्मेदार यानी कंट्री गति जरूर हो सकती है बाबू शाह यानी कि इसी बल्लेबाज को जिम्मेदार देना काफी नामुमकिन इस बार फिर से एक बार पहली गेंद फेंकेंगे देखो काफी बाहुस गेंद गिरने के बाद काफी गेंद ने उछाली आप पार्टी से वाइट और इस वाइट के वजह से रन बनते हुए 46 रन देखो थोड़ी सी गेंदबाज के ऊपर तर पर आ चुके हैं यानी कि पहले और में ऐसे बल्लेबाज इस बल्लेबाज के बाद हमसे देखने के लिए मिले थे वही बल्लेबाज सागर उलेकर इलाज थे पहली गेंद वाइड फेंके की ना बाउंस ए देखो उस गलती का ना जिदा गेंद 4 रन के डीजे मास्टर देखो इस 4 रन से बहुत बड़ी पे 50 रन पूरे हो चुके हैं शानदार बल्लेबाजी सागर उलेकर के माध्यम से अभी सागर उलेकर की पटरी के ऊपर गाड़ी सही आ चुके हैं देखो शानदार सागर उलेकर के बल्ले से एक ही सिंगल रन मिले ये दो छक्के और एक चौवा देखने के लिए मिला ये इस कैच का नतीजा इस टीम भुगतते हुए देखो दूसरे गेंद काफी बेहतरीन गेंद गेंदबाज के माध्यम से गिरने के बाद काफी ऑफस्टंप के ऊपर ज्यादा उछली इस गेंद ने बल्लेबाज सागर को पता नहीं चली गेंद और शानदार गेंदबाजी डिलीवरी देखो सागर उलेकर को भी पहली गेंद को 4 रन के बाद थोड़ा शांत रखा इस गेंदबाज विलास पाटिल के माध्यम से यानी कि गेंदबाजी के एक तरफ बोलवाला चलाती हुई करोला टीम तो एक तरफ बल्लेबाजी की ताकत मान जाती है मोरबा टीम देखो सागर उलेकर नहीं रुकेगा पहले बोले थे लेग के रिजर्व में शानदार चक्का डीजे मास्टर देखो कहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाजी सागर उलेकर के माध्यम से
देखो फिर से एक बार वही गेंद, फिर से एक बार फेंकी सागर उल्पर आपके रिजर्व में तरस रहे इस शॉट के लिए। फिर दो गेंदे इस शॉट के वजह से डॉट के लिए सागर कल उल्वेकर ने। ये गेंदबाज के एक तरफ गेंदबाज बाहर खत है तो दूसरे बल्लेबाज, इनके दोनों तरफ से मुकाबला काफी कश्मकश चलता हुआ। इस ओर के फिर से चौथी गेंद फेंकेगी, पांचवी गेंद फेंकेगी विलास पाटिल। ये देखो इस गेंद के ऊपर सिंगल करने की कोशिश की थी, नहीं रुकेगे सागर उल्वेकर पार का आन और चल मिलता हुआ चौथा का। पे काफी बड़े बात है अभी तक पहले में देखेंगे तो मंगेश नावड़ेकर भी हो गए इस टीम के, यानी कि काफी हुनर वाले बात इस मोरवा टीम के माध्यम से देखने के लिए मिले गए। तो इस और इनिंग के एक ही गेंद हो गया बाकी, तो टारगेट देखेंगे तो कितना 56 रन। आखिरी गेंद देखो लेकिन रिजर्व फिर से एक बार खेलने की कोशिश की, इस गेंद के ऊपर कितने रन आए गए, एक रन तो बनाई जरूर। दूसरे के लिए दौड़े गए और डायरेक्ट कोशिश की है और दूसरे में कंप्लीट करा फिस्ट बॉल, और तीसरे के लिए और तीसरे भी दौड़ गए। देखो चौथे के लिए थोड़े से उधर से खेल खराब और चार रन दौड़े और पांचवे के लिए भी दौड़ सकते हैं आखिरी बोर्ड के। देखो क्या रन विकेट, यानी चार रन मिले आखिरी गेंद के ऊपर भी। हेलो हेलो, धन्यवाद अक्षय, बिल्कुल से बेहतर अक्षय अपने यहाँ पर कमेंटेटर की भूमिका निभाई बिल्कुल से। सागर भगत थोड़ी सी आवाज बढ़ाई इस माइक्रोफोन पर। हेलो, तो बिल्कुल बात करेंगे यहाँ पर अक्षय ने बेहतर यहाँ पर कमेंटेटर की भूमिका निभाई। टीम की टोटल बात करेंगे, टोटल देखिए 60 रन यानी जीत की बात करेंगे यहाँ पर, 61 रनों का टारगेट है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा सत्र का मुकाबला की बात करेंगे, कोलवाड़ी बनाम सीएसके सिद्दीकर उल्ला के बीच में दोनों टीम के कप्तान आई है टॉस के लिए। दूसरा सत्र का पहला मुकाबला कोलवाड़ी टीम के कप्तान से और उसके साथ साथ सीएसके सिद्दीकर उल्ला टीम के कप्तान से। कोलवाड़ी की बात करेंगे तो बिल्कुल से गाव देवी ओम साई कोलवाड़ी, यानी उसके बाद सीएसके सिद्दीकर उल्ला टीम। तो बाबूशाह सत्कार समारंभ पार पड़ेल, निश्चितच आमचे मुख्य आयोजकर्ता दीपक जी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आमचे सन्माननीय पाहुणे संजय दादा राय निश्चित यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केले जात आहे। स्पर्धेसाठी ज्यांनी कूलर पुरस्कृत केलंय ते निश्चित सन्माननीय पाहुणे संजय राय यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केले जात आहे। आमचे मुख्य आयोजकर्ता दीपक शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते ओ टू बाबूशा। धन्यवाद धन्यवाद रोशन, बिल्कुल बात करेंगे। 61 रनों का एक बड़ी टारगेट, लेकिन ये टारगेट को इतना बुरा भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि बड़ी टारगेट कभी कभी आसान बन जाता है और छोटी चीज कभी कभी मुश्किल बन जाता है, चाहे इंसान के जिंदगी में हो या क्रिकेट की जिंदगी में दुनिया पे हो। बिल्कुल देखिए इस मंच के ऊपर हमारे संजय राव साहब के यहाँ पर सम्मान होता हुआ आयोजकों की तरफ से, देखिए कितना बड़ा प्यार है। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, दोस्ती रिश्ता वादा ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का खेल नहीं, जिंदगी का खेल है। तो चलिए फील्ड का प्लेसमेंट कीजिए, देर ना कीजिए, बड़े अच्छे टोटल यहां पर बनाए नो डाउट से। लेकिन तलुजे मजकूर की बात आते तो सबसे पहले साई साई राजे का बेहतर कमेंटेटर भी। तो बिल्कुल तलुजे मजकूर की बात आते तो साई राजे का बेहतर कमेंटेटर, उसके साथ साथ
एक पीटीसी के बेहतर सदस्य हमारे खास मित्र भव्य पाटिल, बिल्कुल उनका भी स्वागत है। भव्य पाटिल का शुक्रगुजार करना चाहेंगे, अगर इस मुकाबला को देख रहे होंगे तो हमेशा हौसला जाहिर करते हैं क्या। देखिए क्यों यहां से दर्शकों को भी इससे शोर शराबा। तो बिल्कुल यहां पर टॉस के लिए अगला मुकाबला के लिए कोलवाड़ी टीम सीएसके सिद्धिकरोड़ी टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। तो बिल्कुल मुरबा की बात करेंगे तो मुरबा टीम की बात करेंगे तो सबसे पहले पिंटू मात्रे एक बेहतर कमेंटेटर, काफी साल के अनुभव, लेकिन देखिए मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाज के बीच में यहाँ पर क्या एस नो तू तू मैं यानी समझबूझ यहाँ पर कम, समझबूझ बेहतर बनाना होगा दर्शकों की तरफ से शोर शराबा। ये उनके लिए क्रिकेट के लिए प्यार है, ये कुछ नहीं है, ये क्रिकेट के लिए प्यार है। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं ऐसा प्यार क्रिकेट में जुड़े रहे और उम्र भी आपका लंबी बेहतर बनते रहे और हर परेशानी क्रिकेट की दुनिया पर जितने भी दर्शक मान्य पर रहते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि हर परेशानी दूर रहे और ऐसे क्रिकेट में आकर आनंद लें और टूर्नामेंट को सफलता बनाएं और हमारी कमेंटेटर को भी बेहतर बनाएं। तो सिद्धि करोल टीम के कप्तान सर आप किस बात की देर लगा रहे हो बिल्कुल सर, और कुलवाड़ी टीम के भी कप्तान सर आइए उपस्थित दिखाइए। बिल्कुल टॉस किया जाएगा, ये अंतिम कॉल आखिरी कॉल है। तो यहाँ पर मैदान के ऊपर जाना होगा, अगर मुकाबला के समय इसे टॉस के लिए बुलाना पड़ेगा तो फिर मुश्किल है मैदान की हालत जानकारी देने में। रविंद्र भुईर बिल्कुल से ग्राहीगढ़ सुन के बेहतर सलाहकार जिनकी टीम आइए टॉस के लिए, प्रमोद अगलाव जी मैदान के ऊपर उपस्थित हो तो उनसे भी गुजारिश करते हैं आइए। और कल काफी यहाँ पर बिल्कुल रायगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सलाहकार यहाँ पर उपस्थित दिखाएंगे। विश्वनाथ मस्कर जी भी इस मैच के आनंद ले रहे थे बिल्कुल सर। और टोटल की बात करेंगे, टोटल अभी तक कोई नहीं। और ये देखिए डॉट की सिलसिला, पांचवा डॉट गेन, जब टारगेट इतना बड़ा हो फिर दिक्कत बनेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। और तो चला कोलवाड़ी संघ या अपन टॉस साठी सिद्धि करोड़ संघ संघ आला है, कोलवाड़ी संघ या अपन स्वागत असेल आपलं। तो बिल्कुल सिया बात करेंगे तो पहला मैडन उभर निकल सकता है यहाँ पर। गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज कैलाश पाटिल क्या कमाल की गेंदबाजी, मोरबी टीम कम प्रैक्टिस से मैदान के ऊपर उतरे, लेकिन देखिए बल्लेबाज की गुस्सा देखिए, पांच गेंद तो बेहतर लेकिन ये गेंद को पूरी निकाला छह रनों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। बिल्कुल देखिए यहाँ पर अर्जुन भाई पाटिल साहब के ऑफिस में विश्वनाथ मस्कर जी, मनोज पाटिल जी, हरीश भुईर जी इस मैच के आनंद ले रहे हैं और शुभेच्छा दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को, बता रहे हैं बड़ी बेहतर टूर्नामेंट से। यकीनन आपको भी तहे दिल से शुक्रिया। तर की ज्या ठिकाणी टॉसचा कार्यक्रम केला जाईल सिद्धी करवले विपक्ष कोलवाडी या दोन संघाच्या दरम्यान, तर सर्वांनी पाहुणे लहुशेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल केला जाईल। कोलवाडी विपक्ष सिद्धी करवले क्रिकेटचा रणसंग्राम पुढचा सामना असेल या दोन संघांच्या दरम्यान, टॉसचा कार्यक्रम करतील आमचे पाहुणे वर्ग लहुशेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते। ओ टू बाबूशा। धन्यवाद धन्यवाद रोशन। बिल्कुल देखिए हमारे आयोजक अभी भी रातों का नींद हराम करके यहाँ पर चार रात से यानी कल आखिरी रात इस टूर्नामेंट में चार चांद लगाए कहीं ना कहीं। प्रभाकर सेठ, कमलाकर पाटिल जी, जेके पाटिल जी, उनके साथ गुटराम पाटिल जी, संजोग पाटिल जी, सम्राट पाटिल जी, अनंत पाटिल, दत्तासूर्य पाटिल जी, राजेश पाटिल जी। और गेंद को खेला यहाँ पर देखिए, फील्डर थे लेकिन वहां पर बन गए दर्शक और वहां के दर्शक बनेंगे फील्डर और एक चौका आता हुआ। मास्टर बिल्कुल से हमारी कोलवाड़ी टीम टॉस जीता है, बिल्कुल जैसे मुकाबला समाप्त होगा आपको टॉस के ऊपर उतरना होगा और चार ओवर का मुकाबला रहेगा निश्चित रूप से। हम चार दिन से यहाँ पर
भाई बोल क्या बोला, टॉर्च के ऊपर उतरना होगा, समझा नहीं क्या, जो भी फैसला होगा उसके ऊपर वही उतरेगा ना पहले। तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और इस बार देखिए गेंद को खिला कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर सीमा के ऊपर तैनात है, जब तक वहां से गेंद वापस आता दोनों बल्लेबाज आपस में यहां पर छोड़ बदलते हुए, और एक रनों के साथ देखिए टोटल जाकर पहुंचा, टोटल के पांच करेंगे तो टोटल यहां पर 11 रन। और देखिए प्रीतम भोपी बेहतर स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए, और अभी भी मंजिल काफी दूर है, इस तरह के चौके छक्के की यहां पर बारिश करना होगा। और इस बार गेंद को ऑनसाइड डिजन पर खेला गया, मिडविकेट तैनात है, जब तक वहां से गेंद वापस था तब तक दोनों बल्लेबाज अपनी छोड़ बदलते हुए, बिल्कुल अतुल उल्लेकर के हाथों पर गेंद गया, लेकिन काफी जोर से सुर सराबा, क्या बात है, दर्शकों बिल्कुल जोश में हैं, लेकिन मुकाबला थोड़ा सा होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, हमें बोलना काफी आसान है रोशन जी, क्योंकि 61 रनों का टारगेट 4 ओवर के मुकाबले में इतना आसान टारगेट नहीं माना जाता है, और इसके लिए शुरुआत में अच्छे रन बनाना चाहिए, और शुरुआत देखिए यहां पर थोड़ा सा खराब हुआ मैं कहूंगा, क्योंकि पहला 5 गेंद डॉट आकाश भुईर मयूर राजे उनके साथ, और इस बार भी गेंद थोड़ा सा नीचे रहा, और दिक्कत बनता हुआ निश्चित रूप से, अगर पिछले मैच को याद किया जाए तो देवी जबड़ा टीम यहां पर मुकाबला जीता, क्योंकि बड़ी टारगेट 54 रनों का टारगेट रखा, और जिसके सामने यहां पर केरल टीम शुरुआत 2 ओवर पर रन नहीं बना पाए, और आखिरी की 12 गेंद के लिए उनके लिए मुश्किल बना, तो इसी तरह के यहां पर शुरुआत की बात करेंगे, यहां पर 12 गेंद के ऊपर देखिए रन कितना बना, 13 रन, और इसमें कितने डॉट गेंद खेले यहां पर कुल मिलाकर बात करेंगे तो यहां पर 7 गेंद डॉट गेंद खेले, अगर 12 गेंद के ऊपर बल्लेबाज 7 गेंद डॉट खेलते हैं और रन बनाए यहां पर 13 रन, कितना गेंद के ऊपर 5 गेंद के ऊपर 13 रन बनाया, अगर और 5 गेंद के ऊपर ये 13 रन बनता तो टोटल 26 रन रहता, तो बिल्कुल फाइट हो सकता था, इसलिए मैं क्रिकेट में हमेशा कहता हूं विकेट से ज्यादा मायना रखता है डॉट गेंद, डॉट गेंद विकेट से भी ज्यादा खतरनाक होता है, हमेशा मैं कहता हूं कैंसर बीमारी के जैसे डॉट गेंद, लेकिन फिर भी देखते हैं तलोजा मजकूर टीम का जो आखिरी उम्मीद चिराग यहां पर जागा हुआ है, इस 12 गेंद के ऊपर क्या कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे, क्योंकि कल जब रात पर टीवी पर बैठकर मुकाबला को देख रहे थे, जब विजय शंकर लगातार डॉट गेंद खेल रहे थे, लेकिन मनीष पांडे के आउट होने के बाद जैसे मैदान के ऊपर दिनेश कार्तिक उतरे, और 12 गेंद के ऊपर 34 रनों का जरूरत है, क्या कमाल के बल्लेबाजी, काफी समय तक याद किया जाएगा, अगर वो मुकाबला बांग्लादेश जीतता तो पूरा टीम नागिन बन जाते थे, पूरा डसते थे कल मैदान के अंदर, क्योंकि श्रीलंका टीम को भी खून के आंसू रुलाए थे बिल्कुल से बांग्लादेश टीम, लेकिन कल उनका सपना चकनाचूर हो गया दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी से। देखिए अभी भी व्हाइट के हिसाब से एक रन आता हुआ, टोटल देखिए अभी भी 14 रनों के ऊपर रुका हुआ है, बिल्कुल दर्शकों की देखिए तादाद मैदान की हर तरफ, और यही होती है दर्शकों की प्यार क्रिकेट के ऊपर, अगर ये दर्शकों की तादाद ना होता तो फिर इस मुकाबला में तो मजा नहीं है, लेकिन से क्रिकेट को इतने ऊंचा अंदाज से नहीं देखा जाता, अगर ये क्रिकेट को किसी ने ऊपर पहुंचाया तो बिल्कुल से वही दर्शक, अगर किसी टूर्नामेंट को सफलता बनाते हैं तो वही दर्शक, अगर किसी कमेंटेटर को बेहतर बनाते हैं तो वही दर्शक, अगर किसी खिलाड़ी को सुपरस्टार बनाते हो तो वही दर्शक। और ये देखिए लेग बिफर, और यहां पर बड़ा विकेट गिरता हुआ, तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे 200 विकेट यहां पर गिरता हुआ, और कल इस समय बात करेंगे तो मच के ऊपर बिल्कुल धमाल मचा रहे थे हमारे बिल्कुल सबके लगते जिगर, सम्राट पाटिल सम्राट पाटिल सम्राट पाटिल, क्या आवाज थी उनका कल यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल से हमने सुना, और गोटिया अंपायर भी काफी कल खूबसूरत डांस किए, बिल्कुल से जन्मदिन किसका था भाई, हमारे प्रभाकर सेठ पाटिल जी, प्रभाकर सेठ पाटिल जी जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए जियो जान यानी पूरी मेहनत कसरत लगाते हुए
चार चांद लगा दिया उनके साथ में बात करेंगे जेके पाटिल जी, क्योंकि मुकाबला में ज्यादा मजा नहीं इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर हम आयोजकों की तरफ जा रहे हैं। गेंद और रनों के बीच में देखिए जानकारी देना चाहूंगा फिर भी दर्शकों को 45 रनों का अभी भी जरूरत है 10 गेंद के ऊपर, और यहां से और एक गेंद कम होता हुआ और गेंद को रोका गया और बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया, तो अभी यहां से 9 गेंद। अजीत की बात करेंगे तो 43 रनों का जरूरत है, 43 रनों का जरूरत है। देखिए हमारे अंकुश दादा पाटिल भी मोबाइल पर कुछ चैटिंग चालू है क्योंकि मुकाबला में मजा नहीं है, लेकिन उनका लुकिंग देखिए हर साल के जैसे इस साल बेहतर बेहतर अंदाज है। फेसबुक पर देखिए उनके तलवार शिवाजी महाराज के जैसे, मुझे तो ऐसा लगा तलवार चला देंगे किसी के ऊपर, क्या खतरनाक अंदाज है। हर इंसान के अंदाज काबिलियत अलग अलग रहता है रोशन जी, लेकिन फिर भी मैं तारीफ करना चाहूंगा इन आयोजकों की जिन्होंने हमें सुनहरा मौका दी, इसलिए हमेशा मैं रोशन करता हूँ। शायद आज अक्षय ने यहाँ पर कॉमेंट्री की, शायद अभी उन्हें काफी समय है, सीखना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा। ये जो महाराष्ट्र लोगों का प्यार सपोर्ट क्रिकेट का क्रेज है, ये सब कुछ की ताकत से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो हमारे अंदर भी रोशन जी ऐसा कुछ खास नहीं था, कोई कमेंटेटर ना मैंने कहीं सीखा था, ऐसा ही थोड़ा बहुत आदत था करने का, लेकिन जो लोगों का प्यार मिला ना बंदूक के विचार से ना तलवार की धार से, अगर आज बाबू शाह फेमस है तो रायगढ़ थाने यानी महाराष्ट्र के हर इंसान के प्यार से, लेकिन शायद वो प्यार ये मुकाबला के ऊपर देखने को नहीं मिला, शायद निराश होंगे तरुजे मस्कोर टीम के दर्शक ज्यादा से ज्यादा रोशन जी। और बिल्कुल तरुजे मस्कोर टीम को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतने बुरी तरह से हारे, क्योंकि ये क्रिकेट है दोस्तों। अगर कल हिंदुस्तान टीम हारता तो रोशन जी क्या सवाल उठता था, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसा हर टीम के साथ होता है। प्रवीण पटेल भाऊ बिल्कुल हमारे देखिए मैदान के अंदर, सुरेश मात्रे जी मुलेखंड के, उसके बाद अजित खुटले जी, रोहित गताड़ी जी भी आज तशरीफ रखे थे, संदीप पटेल सर, और आज का बात करेंगे रात उलवा के मैदान के ऊपर आखिरी रात यानी फाइनल डे बिचुंबे के मैदान के ऊपर भी जारी है। अगर इस मैदान के ऊपर बात करेंगे कल आखिरी रात होगा, कल से मेगा फाइनल देखने को मिलेगा, लेकिन सुपर फोर पर कल भिंगा टीम पहुंचा है, और यहां पर देखिए देर से आया लेकिन शायद ये शुरुआत में आता तो कुछ हालत अलग रहता। क्या बात है डीजे मास्टर, पीले पीले बिल्कुल सर, कोई खाना खा के गम बुलाते हैं, कोई पी के गम बुलाते हैं, कोई हंस के गम बुलाते हैं, कोई रो के गम बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दत्ता पाटिल के लिए पर बड़ा इनाम, 500 का इनाम आता हुआ एक छक्के के लिए, क्या बात है, यानी ऐसा इनाम लग रहा है शायद ऐसा नहीं दत्ता पाटिल के लिए बड़ा छक्का है। बिल्कुल सर ऋषभ पाटिल की तरफ से पर 500 रुपए का इनाम अगर दत्ता लगाते हैं छक्का। दत्ता पाटिल तो चौके अभी तक लगा चुके हैं और चौके के साथ अगर और 2 अंक बढ़ा लेंगे तो छक्का लगाएंगे, तो फिर 500 रुपए का इनाम। और यहां पर देखिए गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला कहीं, और 1 रनों के साथ टोटल जाकर पहुंचा 25 रन, मुकाबले में ज्यादा मजा नहीं। 5 गेंद पर जीत के लिए 36 रनों का जरूरत है और 36 रन 6 गेंद के ऊपर बना था। और देखिए दत्ता पाटिल शायद उन्हें मिलेगा और एक बार मौका, लेकिन इस बार गेंद निकला मिड विकेट के ऊपर से चौका। और गेंदबाज फिर से तैयार, दत्ता ने तो इरादा बना लिया, भाई मैच को तो बचाना मुश्किल है लेकिन 500 नोट को कैसा बचाया जाए, जो इनाम लगा है 500 रुपए का इसको कैसे हासिल किया जाए। ऐसा कोई बात नहीं, शायद जो उनका है खेल वो दिखाने की कोशिश करेंगे।
और ये देखिए गेंद हवा में, थोड़ा समय मौका था फील्डर को यहां पर, लेकिन फील्डर ने भी ज्यादा कुछ कोशिश नहीं किया। मोरबी टीम बड़े खुश होंगे, उनके दर्शक, उनके चाहने वाले, क्योंकि लंबी समय के बाद मैदान के ऊपर उतरे और आदेश ने हमें बताया कि 50 रन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। शायद तलुजी मस्कुट टीम ने ज्यादा रन खर्च किए, लेकिन अनुभव यहाँ पर काम आता हुआ और मुकाबला लगभग मैं कहूंगा जीत के करीब, यानी झोली पर जीत गिर चुका है, एक अपचारिता बचा हुआ है। प्रीतम भोपी देखिए अपनी स्कोरिंग की भूमिका से बता रहे हैं, 300 सिंगल रन बनता हुआ। अगर पेट की बात आता है तो बिल्कुल गणेश जोशी जी, एक बेहतर आयोजक, एक बेहतर पेकर टीम के संतोष गरज जी, एक बेहतर कॉमेंटेटर और उनके साथ साथ संदीप वास्कर, एक पीटीसी के फाउंडर, ऐसे कई सारे बड़े हस्ते, और विशाल जोशी जो तेजस जोशी के भाई, हमारे खास मित्र, बिल्कुल काफी समय बातचीत करते हैं। लेकिन इस मुकाबला को यहाँ पर समाप्त होता हुआ, एक तरफा मुकाबला, मुकाबला में ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन दर्शक चाहेंगे आगे की मुकाबला कुछ मजा आए, क्योंकि आज देखिए सिद्धि, सीएसके सिद्धि करुली टीम साउथ अफ्रीका के ड्रेस कोड के साथ, शायद हम कह सकते हैं बांग्ला ड्रेस, जो कल संघर्ष किया, हिंदुस्तान के बीच में मुकाबला हुआ, शायद वैसा मुकाबला देखने को मिले। बिल्कुल देवी झबड़ के हमारे रघुनाथ फड़के जी, जिनकी जिनकी हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट्स हमेशा मिडिल ऑर्डर पर, यानी गम की आंधियों में हम गुजर जाएंगे, अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए हम सागर में क्या समंदर में भी उतर जाएंगे, समंदर में भी उतर जाएंगे, समंदर में उतर जाएगा। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट्स, जिन्होंने 9 गेंद के ऊपर 23 रनों के पारी के लिए अपरा सागर उलवकर, सागर उलवकर, सागर। तो यहां पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा बिल्कुल हमारे देवी जबड़ के, बिल्कुल मान्य पर रघुनाथ फड़के जी के हाथों से बिल्कुल। चलिए सागर उलोकर, अगर पिछले साल बात करेंगे उस साइड के मैदान के ऊपर सीरीज के करीब पहुंचे थे, थोड़ा सा अनलकी रहे, और बेहतर खिलाड़ी बिल्कुल हमेशा मिडिल ऑर्डर पर हम देखते हैं। अतुल हमारे खास मित्र बड़े खुश होंगे, नितिन उनका भी स्वागत, मनोज भी अगर इस मुकाबले को देख रहे हैं उनकी भी स्वागत। और बिल्कुल वाइब्रेशन अंपायर संडी पालकर जी आइए तस्वीर रखिए मंच के ऊपर, बिल्कुल खास मित्र हमारी इको की काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि और बात करेंगे रोशन पाटिल, काफी दर्शक भी हमें पूछते हैं बाबू शाह ये डीजे वाले का इको है या आपका है, मैं बोला क्यों बताइए ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि डीजे से इतना खूबसूरत इको आता होगा। तो बिल्कुल मैं यही बता के ये आप लोगों की प्यार है, मेरा कुछ नहीं है, अगर सम्राट पाटिल जी जैसे इंसान अगर उन लोगों का प्यार अगर रहेगा अंकुश दादा पाटिल से, यानी प्रभाकर सेठ पाटिल, यानी जितने भी यहाँ पर मान्य पर दर्शक है सबका स्वागत है। और चलेंगे अगले मुकाबला की तरफ से, फिर से एक बार बुलंद आवाज, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में तो तहलका नहीं मचा पाए लेकिन कॉमेंटेटर की दुनिया में अब गेप हो गई, बिल्कुल रोशन पाटिल है क्रिकेट की दुनिया में आपने उतरे लेकिन कमाल नहीं दिखा पाए क्रिकेट की दुनिया में, आपने काफी कैचेस छोड़े लेकिन कमेंटेटर डिपार्टमेंट ने काफी लोगों का दिल जीता निश्चित रूप से। फिर से एक बार होंगे रोशन पाटिल और उनके साथ होंगे आदेश पाटिल,